गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज जो पर्नोस पोरेली जो ऑर्डर है उसके बारे में आज की जो क्लास है ये पर्नोस्पोरोलिस जो ऑर्डर है इसके बारे में है। पर्नोस्पोरोलिस जो ऑर्डर है उसमें डाउनी मिल्ड्यूज आती हैं, जो काफ़ी प्लांट्स हैं उनमें डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। तो जो पर्नोस्पोरोलिस है वो पीथियलिस से किस तरह से डिफरेंस है वो देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीथियलिस जो फैमिली है, पीथियलिस जो ऑर्डर है उसमें पीथियसी फैमिली आती है और पीथियम और फाइटोपीथेरा इसमें आते हैं। और जो पर्नोस्पोरेलीज है इसमें पर्नोस्पोरेसी फैमिली आएगी और इसमें जितने ही पर्नोस्पोरा, सीडो पर्नोस्पोरा, ब्रेमिया, ये सारे जीनस इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि जो पर्नोस्पोरेलीज जो है वो पीथेलीज से किस तरह से डिफरेंट अलग है। फर्स्ट, दे आर ऑब्लिगेट बायोट्राप। इसके जो जीनस हैं ये ऑब्लिगेट बायोट्राप हैं, यानी केवल ये लिविंग टिश्यू पर ही अटैक करते हैं, लिविंग टिश्यू पर ही अटैक करते हैं, उनको ऑब्लिगेट बोलते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यू से मतलब केवल लिविंग जो प्लांट्स हैं उस पर ही अटैक करते हैं, उसके अलावा इनको आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं किया जा सकता है। सेकंड जो है, सेकंड वेयर पीथियो फाइटोपथेरा स्पीसीज आर टिपिकल एबल टू अटैक वाइल्ड होस्ट स्ट्रेंज ऑफ। हाँ, ये जो पीथेलिस जो फैमिली है इसमें जो पीथियम और जो फाइटोपथेरा आते हैं इसकी जो होस्ट रेंज होती है वो बहुत वाइड होती है। मतलब वाइड होस्ट रेंज का मतलब है कि बहुत सारे प्लांट्स स्पीसीज पर अटैक करता है, जबकि जो पर्नोस्पोरेलीज है ये बहुत ही नैरो नैरो रेंज है इसकी, मतलब बहुत ही कम प्लांट्स पर अटैक करता है, कम स्पीसीज पर अटैक करता है और ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो थर्ड जो मेजर फीचर है यह है, इसमें इसका जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया डायरेक्ट जर्मिनेट होता है और कभी कभी डायरेक्ट जर्मिनेट होता है और कभी कभी बहुत ही कम स्पीसीज में उसके अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जबकि पीथियम और फाइटोपथेरा में स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये तीन मेजर डिफरेंस है जो पर्नोस्पोरेलीज को पीथियलीज से अलग करते हैं। द पर्नोस्पोरेलीज आर ऑब्लिगेट बायोट्राप, ये ऑब्लिगेट बायोट्राप हैं, ठीक है, और डाउनी मिल्ड्यू कॉज करते हैं। अब इसके अंदर जो पर्नोस्पोरा जो जीनस आता है, तो पर्नोस्पोरा जीनस के बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर, ये पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर ये किसमें, ऑनियन में डिसीज कॉज करता है। ऑनियन की कोई भी क्रॉप रहती है तो उसमें डाउनी मिल्ड्यू डिसीज आती है और काफ़ी उससे लॉस होता है। फिर पर्नोस्पोरा फेरिनोसा है, ये सुगर बीट पे और बीट रूट पे अटैक करता है, स्पेनिश पालक वगैरह पे ये अटैक करता है, डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। इसके अलावा ये वीट्स पे भी अटैक करता है, वीट्स जैसे ये चीनोपोडियम है, चीनोपोडियम के ऊपर भी अटैक करता है ये। उसके अलावा पर्नोस्पोरा टेवेसिना है, जो कि टैबैको की प्लांट पे अटैक करता है, टैबैको की अगर क्रॉप होगी, तम्बाकू की जो क्रॉप है उसमें डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। और जो पर्नोस्पोरा टेवेसिना है उससे क्रॉप में कम से कम 95% से अधिक का लॉस होता है। जो पर्नोस्पोरा पैरासिटिका है, ये जो तीन चार ये जो स्पीसीज मैंने बताई ये पर्नोस्पोरा की अलग अलग स्पीसीज हैं। जैसे पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर है ये ऑनियंस के ऊपर अटैक करता है, पर्नोस्पोरा फेरिनोसा है ये सुगर बीट पे और बीट रूट पे अटैक करेगा, फिर पर्नोस्पोरा टेविसिना है ये टैबैको प्लांट पे अटैक करेगा, फिर पर्नोस्पोरा पैरासिटिका है तो ये जो ब्रैसिकासी फैमिली है, जो जो ब्रैसिका फैमिली जो है उस पे अटैक करता है ये। तो पर्नोस्पोरा जीनस एक ही है लेकिन जो इसकी जो स्पीसीज है ये अलग अलग है और अलग अलग क्रॉप पे ये अटैक करता है।
पर्नोस्पोरा के बारे में जानेंगे कि पर्नोस्पोरा जो होता है, इसका जो माइसीलियम जो होता है ये सीनोसिटिक माइसीलियम होता है। सीनोसिटिक का मतलब होता है नॉन सेप्टेट माइसीलियम, और ये इंटरसेलुलर होता है, यानी बिटवीन द सेल, सेल के बीच में होता है, और इसमें हाइस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी जो पर्नोस्पोरा जो है, पर्नोस्पोरा में ये इंटरसेलुलर माइसीलियम होगा और हाइस्टोरिया का फॉर्मेशन होगा। और फिर जो स्पोरेंजियोफोर जो है, स्पोरेंजियोफोर क्या होंगे, सिंगल या ग्रुप में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएंगे। जो डाउनी मिल्ड्यू है उसका जो सिम्टम होता है, प्लांट की निचली सतह से, निचली सतह में फंगस की कॉटनी ग्रोथ दिखाई देती है। वो जो कॉटनी ग्रोथ है ये फंजाई का स्पोरेंजियोफोर होता है। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर है स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर आते हैं, जो कि सिंगल या ग्रुप में होते हैं। देयर इज अ और इसमें जो ब्रांचिंग जो होगी, ये देखिए ब्रांचिंग जो रहेगी ये कैसी रहेगी, ये डाइकोटॉमसली ब्रांच होगा। डाइकोटॉमसली ब्रांच हो गया, यानी एक जगह से दो ब्रांच निकलेंगी, और ब्रांच के एंड जो रहेगा, ब्रांच का जो एंड स्टिगमेटा कहलाता है, और स्टिगमेटा में ये एग शेप के स्पोरेंजिया लगे रहेंगे। तो स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया लगे रहेंगे। ये देखिए पर्नोस्पोरा का ये यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम से हम बेटर तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये पर्नोस्पोरा का डायग्राम है। तो इसमें देखेंगे ये जो ये 2/3 जो पार्ट है इसका, इसका ये देखिए यहाँ पे ये जो 2/3 जो पार्ट है, ये 2/3 पार्ट ये अनब्रांच है, और ऊपर का जो 1/3 पार्ट है ये ब्रांच है। तो जो ब्रांचिंग है इसमें डाइकोटॉमसली ब्रांच है। ये देखिए एक जगह से ये दो ब्रांच निकली हुई है, फिर आगे जाके फिर ये दो ब्रांच निकली हुई है इस तरह से। तो इसे बोलते हैं डाइकोटॉमसली ब्रांच। ये आगे देखिए आप, ये डाइकोटॉमसली ब्रांच है, और ब्रांचिंग के एंड में, ब्रांच का एंड जो, ये जो एंड वाला जहाँ पे ये स्पोरेंजिया लगा हुआ है, एग शेप का स्पोरेंजिया है या पियर शेप का स्पोरेंजिया बोलते हैं, इसको स्टिगमेटा बोलते हैं। जहां पर ये अटैच रहता है उसको स्टिगमेटा बोलते हैं, और जिस ये स्पोरेंजिया जिस सिरे से ये अटैच है उसको पैपिला बोलते हैं। तो इस तरह से ये है। और दूसरा ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम, ये जो माइसिलियम है ये इंटरसेलुलर माइसिलियम है, सेल के बीच में है, और सेल के अंदर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, तो ये इसका हस्टोरिया है। तो ये सेल के अंदर से ये न्यूट्रिशन को ड्रॉ कर रहा है हस्टोरिया के माध्यम से। तो ये पेरनोस्पोरा का डायग्राम है। उसके बाद जो दूसरा जो आता है जीनस जो है वो प्लाज्मोपैरा। प्लाज्मोपैरा वाइटिकोला आप लोगों ने सुना होगा। ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपवाइन कॉज करता है। ये ग्रेपवाइन जो अंगूर की जो फसल होती है उसका ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पैथोजन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो बोर्डोमिस्टर की जो डिस्कवरी हुई थी, वो इसी डिसीज के कारण हुई थी, ये प्लाज्मोपैरा वाइटिकोला जो ग्रेपवाइन में था। तो बोर्डोमिस्टर की जो डिस्कवरी हुई थी वो अचानक से हो गई थी। ये वोडोमिस्टर के अलावा जो डाउनी मिल्ड्यू के जो कंट्रोल में है, मेटालेक्सिल का यूज किया जाता है, लेकिन जो प्लाज्मोपैरा वाइटिकुला है इसमें ये देखा गया है या पाया गया है कि जो मेटालेक्सिल जो है उसके प्रति रेजिस्टेंस पावर आ गई है, इसलिए मेटालेक्सिल ना छिड़क के दूसरा इसमें फंजीसाइड्स का स्प्रे करते हैं। अब जो प्लाज्मोपैरा है इसमें जो स्पोरेंजिया का जो जर्मिनेशन है, ये स्पोरेंजिया का जो जर्मिनेशन है ये दो तरह से रिपोर्ट किया गया है। या तो स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बनते हैं, ये देखिए जूस्पोर बनेंगे, या जो स्पोरेंजिया है वो डायरेक्ट जर्म ट्यूब बना के ये जर्मिनेट हो सकता है। तो दो तरह के इसमें जर्मिनेशन हो सकते हैं, या तो स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बनेगा या स्पोरेंजिया डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएगा। और सीजन के एंड में ऊस्पोर बनते हैं। ऊस्पोर जो रहते हैं ये राउंड शेप के रहते हैं, थिक वॉल्ड रहते हैं, रेस्टिंग स्पोर रहते हैं, इस तरह से ये रेस्टिंग स्पोर रहते हैं। ये प्लाज्मोपैरा का डायग्राम है। प्लाज्मोपैरा में देखिए ये इसमें राइट एंगल में ब्रांचिंग रहती है। राइट एंगल का मतलब होता है
ये इस तरह से राइट एंगल में, ये